साथियों, आज जिस उद्देश्य से हम लोग आए हैं, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों से पहले आप लोगों ने उस बात का मन बना लिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम तमाम एनडीए के साथियों को ये लक्ष्य बाद में दिया कि आपको 400 सीटें जीत कर आपको लाना है, पर उससे पहले ये संकल्प देश की जनता और विशेष तौर पर हमारे बिहारी साथी ले चुके हैं कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। आज यही बस एक आग्रह, आज यही एक आग्रह पुनः आप लोगों से करने आया हूं। चुनाव की पूर्व संध्या है, नामांकन का दौर शुरू हो गया और आज मैं जिस नामांकन के लिए आया हूं वो पुनः मेरे लिए बहुत खास है। मेरे परिवार के सदस्य के समान, मेरे साथी, मेरे भाई, अब छोटे भाई बड़े भाई वो हम लोग बाद में तय कर लेंगे विवेक ठाकुर जी, आज मुझे ईमानदारी से बहुत खुशी है और मैं एनडीए के तमाम साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा जिस तरीके से इन्होंने प्रत्याशी के रूप में, अभी भी मौजूदा सांसद है पर जब लोकसभा में जाकर आप लोगों के विषय को उठाने का काम करेंगे, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे, तो मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि इनमें वो जुझारूपन है, इनमें वो तत्परता है। हम लोगों ने पिछले कुछ समय बिताए, एक बार के लिए आप सबसे क्षमा भी चाहूंगा, माफी भी चाहूंगा कि पिछली बार आया था जिसके लिए कहीं ना कहीं चूक हमसे भी हुई, पर आज आपको और पूरी जनता को ये विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं कि जिस दिन विवेक भाई जीतकर भारतीय संसद लोकसभा में जाएंगे उस दिन से नवादा लोकसभा के विकास को कोई नहीं रोक सकता है, ये मैं भी आपको विश्वास दिलाने जाता हूं। साथियों, जहां हम लोग 400 पार के लक्ष्य की हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे में बिहार की 40 की 40 सीट महत्वपूर्ण है, जरूरी है बिहार की 40 सीटें जीतकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में, ताकि जिस मजबूती से हमारे प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस मजबूती से हमारे देश को वो मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं, आज एक भारतीय होने के नाते भैया हम सबको गर्व होता है। आप देश के किसी कोने में चले जाइए, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, जिस तरीके से भारत का डंका बज रहा है, जिस तरीके से विदेशों में भारत और भारतीयों को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, जब दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भारत आते हैं तो भारत की गौरव गाथा वो गाते नहीं थकते, ये स्वाभिमान, ये अभिमान हमें हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र, हर वर्ग के विकास की चिंता की। सबसे पहले तो देश की अर्थव्यवस्था जो आज से 10 साल पहले तक भैया हम में से किसी को नहीं पता थी कि कहां जा रही है, कौन से नंबर पर है, कौन से पायदान पर है, पर आज सोचिए दुनिया की किसी एक कॉन्टिनेंट की नहीं, पूरी दुनिया की जितने भी देश हैं उसमें 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है, ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि अगले 5 साल में इसको तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। जब लोग अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो सोचते हैं कि बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से जुड़ा हुआ यह विषय है, पर नहीं, जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है, जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होने लगता है, और जब हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है तो हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा पैसा आता है, उसकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगती है और धीरे धीरे वो व्यक्ति, देश का कोई भी व्यक्ति आर्थिक संकट की वजह से इलाज से अछूता ना रह जाए, आयुष्मान की योजना भी लेकर, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया कि सरहद पर हमारा देश सुरक्षित रहे, तो उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि अंतरिक्ष के माध्यम से भी देश में विकास होता रहे, तकनीकी रूप से हम लोग आगे बढ़ते रहे, ये सोच है प्रधानमंत्री जी। जहां पर हर जाति, हर जमात, हर वर्ग के लोगों को
आगे कैसे लेकर जाया जा सके, इस सोच के साथ पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को आगे लेकर जाने का काम किया। और आज जब हम लोग 400 पार का नारा देते हैं तो बिहार की 40 सीटें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि बिहार की आज की परिस्थिति, आज जिस तरीके से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, जहां एक तरफ देश में एनडीए गठबंधन का नेतृत्व, एनडीए की सरकार का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में एनडीए सरकार का नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी की सोच है तो वहीं उस सोच को धरातल पर उतारने के लिए यहां मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी जिस हिम्मत के साथ, जिस साहस के साथ वो बार बार डबल इंजन की सरकार का वो आह्वान करते हैं, उसका उदाहरण बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा। कितना जरूरी है केंद्र की सोच वाली सरकार राज्य में भी हो ताकि जो विरोधाभास है उसको समाप्त किया जा सके। और आज हमारे प्रदेश का ये सौभाग्य है कि एक लंबे समय के बाद हम लोगों को वो डबल इंजन की सरकार मिली। ऐसे में जरूरी है कि अब ये डबल इंजन की सरकार लंबे समय तक कायम रहे। उसके लिए बिहार से हर एक सांसद का जीत कर जाना जरूरी है। 2019 में जब आप सब ने तमाम परिस्थितियों के बावजूद बिहार से 40 में से 39 सीटें आप लोगों ने जीत कर दी थी, उस वक्त हमारे गठबंधन में महज 3 दल थे, भारतीय जनता पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी। पर आज हम लोग का गठबंधन और मजबूत हुआ। आज हमारे गठबंधन में 2 और मजबूत दल जुड़े, जहां एक तरफ राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हमारे आदर्श, हमारे अभिभावक आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आने से हम लोग को मजबूती मिली है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी की पार्टी के आने से भी हमारे गठबंधन को एक नई ताकत मिलने का काम हुआ। ऐसे में ये विश्वास हम सब का है कि ऐसे में बिहार की 40 की 40 सीटें जीतकर हम लोग पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और जो कार्य बिहार में हम लोग से अपेक्षित है, जो सोच हम लोग की है बिहार को एक विकसित राज्य बनाने को लेकर, जो सोच हम लोग की है बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने को लेकर, उस सोच को हम लोग धरातल पर उतार सकेंगे। साथियों, अंत में बस आप सब से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, 19 तारीख को मेरे भाई विवेक जी ने आज नामांकन किया है, बहुत जल्द क्रम संख्या भी पता चल जाएगी, पर 19 तारीख को आप सब अपने अपने गांव, अपने अपने घर से अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार अपने तमाम साथियों को लेकर 19 तारीख को अपने अपने मतदान केंद्र में जाइएगा और वहां पर जाकर कमल छाप पर बटन दबाकर आप लोग मेरे भाई विवेक जी को लोकसभा में भेजने का काम कीजिएगा। ये आशीर्वाद है ना आप लोगों का, एक बार दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद।